से यार। फिर बोलो लोग छूट गया, हम करते आपके लोगों को छूटने से क्या हुआ, कहाँ छूटा आपका लोगों को। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और कवि सम्मेलन में प्रदेश भर से लगभग 40 से अधिक दिखाई जाएगी और 31 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11:30 यानी कि कल यानी कि आज से 1 नवंबर 2023 तक गेयटी थिएटर शिमला में करवाया जा रहा है। और इस समारोह की भगत कांगड़ा पारंपरिक लोक वाद्य दल मंडी और बात करते हैं पहाड़ी दिवस के दिन यानी कि 1 नवंबर की। 1 नवंबर को ठोडा लोक नृत्य और बिलासपुर से मोहना और गंगी यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। झूरी लोक नृत्य शिमला का और चंबा से मुसादा गायन भट्टी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 55,678 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 1 नवंबर 1966 से पहले ऐसा नहीं था। 1 नवंबर 1966 को जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ उस वक्त विशाल हिमाचल बना और वो सभी क्षेत्र जो भले ही आर्थिक दृष्टि से जितने क्षेत्रों को मिलाकर के हिमाचल आज है वो आर्थिक दृष्टि से भले ही संपन्न नहीं थे या वो इस स्थिति में नहीं थे कि पूर्ण उनको राज्य बनाया जा सकता, किंतु उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका विशेष रूप से उनकी संस्कृति ऐसी थी और वो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से ऐसा था कि वो अपने आप एक राज्य हो सकता था। और इसी सोच के साथ उस वो जो संस्कृति थी पूरे उस पहाड़ी क्षेत्र की वो एक यूनिक थी, वो उसकी अपनी संस्कृति थी और उसके दृष्टिगत जो है उस पहाड़ी समूचे पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1966 में एक विशाल राज्य का विशाल राज्य तो उस वक्त नहीं बना, उस वक्त यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन ये निर्णय हुआ कि इसको हिमाचल में मिला दिया जाए। तो वो क्षेत्र जैसे कांगड़ा, कुल्लू और इस तरह के और अन्य क्षेत्र जैसे ऊना भी आज है और सोलन के कई क्षेत्र जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा थे उनको हिमाचल के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया और इस तरह से एक विशाल हिमाचल बना। और वो उसका उसके बनाने के पीछे जो मंशा थी वो यही थी और जो तर्क था वो यही था कि इसकी इस भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति और उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा लगभग एक यूनिक भाषा है, यूनिक संस्कृति है, तो क्यों ना इसको एक जगह सम्मिलित किया जाए। तो उसके दृष्टिगत प्रदेश में प्रदेश सरकार हर वर्ष जो है 1 नवंबर 1966 को पहाड़ी दिवस मनाती है। उसमें पहाड़ के चित्र भी, हमारा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्य जो है हमारा, उसकी संस्कृति को दर्शाया जाता है। इस बार विभाग ने थोड़ा इसको 30, 31 और पहली तक 1 नवंबर तक पूरा 3 दिन तक मनाने का निर्णय लिया है। अन्यथा ये पहली नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और पहाड़ी में सांस्कृतिक परिचर्चा, ये कार्यक्रम 3 दिन का रहेगा और इसलिए इस बार बहुत भव्य रूप से इसे मनाया जाएगा।